जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। ये दीपोरा और पाटन इलाकों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। शोपिया के चित्रागम में भी एनकाउंटर जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जेएनके में एनकाउंटर किया जा रहा है। ये दीपोरा और पाटन इलाकों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। शोपिया के चित्रागम में भी एनकाउंटर जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, येदीपोरा और पाटन इलाकों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। ईशान मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ईशान, तो दो जगह पर एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, कल रात को एक सूचना सुरक्षा बलों को शोपियां जिले में, जहां पर कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन लगा दिया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी इधर से पूरे इलाके घेरे में ले लिया गया था। जिसके बाद गोलियों का सिलसिला जो है शुरू हुआ और सुबह के पहली रोशनी के साथ दोनों तरफ से गोलीबारी फिर से शुरू हुई। और अभी भी जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो लगातार गोलीबारी का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। सुरक्षा बलों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहां पे कुछ 2 से 3 मिनट जो छुपे हुए हैं। और जिसके बाद आज सुबह जो पटन का इलाका है बारामूला में, वहां पर भी एक एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरे में लिया। और जिसके बाद जो टारगेट एरिया होता है वहां पर जाकर एक एक्शन जो गन फायर जो है शुरू हुआ है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कितने मिलिटेंट जो है इसमें छुपे हुए हैं, लेकिन सूचना 2 मिलिटेंट की छुपे होने की है। तो लगातार जो है इस इलाके में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, ताकि किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, ताकि कोई मिलिटेंट जो एस्केप ना कर पाए। देखिए, ये पुलिस जो है लगातार ऑपरेशन इसलिए कर रही है क्योंकि अभी अरविंद शाह का विजिट भी होना है, और जिसके बाद कहीं ना कहीं एक सुरक्षित माहौल जो है वो दिखाना चाहते हैं, और ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई ऐसी घटना ना घटे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अमित शाह के विजिट से पहले कोई ऐसा घटना ना घटे जिसकी वजह से कोई दिक्कत हो। तो इसीलिए लगातार एक ऑपरेशन और सिक्योरिटी मैकेनिज्म को जो है सख्त कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान आपका इस तमाम जानकारी के लिए।